मिथिलेश भाटे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, न्यूज 18 पर हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप कह रही हैं कि आप इन दोनों को जेल पहुंचा देंगी, तो ऐसा क्या करेंगी, कैसे करेंगी? और सवाल ये भी कि आखिर क्यों आप पर केस करने की तैयारी वो कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि जेल पहुंचा देंगे। रहा जब इन्होंने कहा है कि आपके खिलाफ हम नोटिस भेज रहे हैं, तो नोटिस भेजने दीजिए, उसके बाद हम भी देखेंगे क्या प्रक्रिया रहेगी हमारे यहाँ से, ठीक है ना? तो आपको क्यों लगता है, बहुत सारे लोगों ने सचिन और सीमा को लेकर अलग अलग तरह के विवादित बयान भी दिए, लेकिन आप पर ही अटैक क्यों हो रहा है? अरे कुछ नहीं है, ये लोग बागों की कहते हैं ना कि बावरे गांव में ऊंट आगो, एक मुहावरो हो एक रहे, तो वो ही हो रहा है। बाकी बीच में हाथ सेकने वाले आ रहे हैं, देखी जाएगी वो भी सब। मिथिलेश जी, सोशल मीडिया पर आप काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं और आप ही की आवाज पर कई युवा अब रील भी बना रहे हैं, लेकिन अब लप्पू और झिंगुर आखिर होता क्या है? मैं चाहूंगी जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये दो शब्द वो ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। मैडम, हमारे जो वकील महोदय हैं मिस्टर एपी सिंह, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से और फोटो वगैरह खींच के बताया हो लप्पू और झिंगुरन को। तो क्या आपने ना देखो होएगो या और ना देखो होएगो? लेकिन मानहानि का केस उन्होंने दायर किया है मिथिलेश जी, मानहानि का केस उन्होंने दायर किया है, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आपने जो जो बातें कही हैं वो न सिर्फ सचिन बल्कि पूरे के पूरे मीणा समाज के लिए एक शर्म की बात है, और पूरे मीणा समाज को आपने निशाने पर ले लिया, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए, ना तो मैंने मीणा समाज को कहा, ठीक है, ना मैंने सचिन को। मेन चीज ये है कि उस समय जो मुंह पे आया गुस्से में, वो मैंने बोल दिया। माइक लगा रहे थे वहां पे, रिपोर्टर थे बहुत सारे, और मैं बार बार हटा रही थी, लेकिन बाद नहीं आए रिपोर्टर, उन्होंने मुंह पे माइक फिर भी लगा दिया। मेरे मुंह में जो आया मैंने कह दिया। हमारे यहाँ लप्पू और झिंगुर नॉर्मल सा शब्द है, बच्चों को यूं ही कहते रहते हैं। लप्पू जो बच्चा ज्यादा नहीं बोलता हमारे में, उसको कह देते हैं। झिंगुर सा जो कहते हैं ना कि मरियल सा होता है, सूखा सा बच्चा, दिन भर खाता ही रहता है पर मोटा नहीं होता, अब वैसे झिंगुर कीड़े को भी कहते हैं। तो मिथिलेश जी, इसे बॉडी शेमिंग कहते हैं, बॉडी शेमिंग। अगर कोई बहुत मोटा है तो उसके मोटे होने का मजाक उड़ाना, या बहुत पतला है तो उसके पतले होने का मजाक उड़ाना, इसे बॉडी शेमिंग कहते हैं, जो इलीगल है। बात सुनिए मैडम, हमें गांव के, हमें ना पता बॉडी शेमिंग फेविंग की, हमें एक शेविंग जाने जाते कहें दाढ़ी छील लो और दाढ़ी बनवानो, ठीक है, तीसरा हमें कई शेविंग की ना पता। और दूसरी बात, जो मैंने कही लप्पू और झिंगुर, यो हमारे यहाँ पे नॉर्मल भाषा है, हम हर बच्चे को ऐसे ही कहते हैं। वो अपनी जमीन बेचकर चार बच्चे लेकर अगर साथ में आई है तो एक तरह से वो अपनी लॉयल्टी दिखा रही है, और उसे भारत की नागरिकता मिल जानी चाहिए, ये वहां के बहुत से लोगों का कहना था। मैडम, फिर मैं कहूंगी तो आप कह दोगे कि आप सब पे ही एग्जाम्पल दे दो। एक बात बताइए, जो ये कह रहे थे ना नागरिकता मिल जानी चाहिए, अगर उनकी घरवाली भाग जाए चार बच्चों को लेके और सारा जमीन जायदाद सब बेच के, तो उन्हें दिन में तारे दिख जाए, नाक रगड़ने बिल्कुल ना जाए थाने पे के मेरी बहू दिलाओ के मेरे बच्चे दिलाओ। ठीक है ना, ये एक औरत गलत करती है तो आप लोग उसको भी सपोर्ट कर रहे हो। आप बने रही हमारे साथ, सीमा हैदर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीमा जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका, और आपने केस दर्ज करवाया है मिथिलेश भाटी पर। जी बिल्कुल। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। मिथिलेश भाटी पर आपने केस दर्ज करवाया है, ऐसा क्यों? कई और लोगों ने भी कॉमेंट किए हैं, अलग अलग तरह की बातें रख रहे हैं, तो मिथिलेश जी पर ही क्यों केस दर्ज करवाया? पहले मैं ये बताना चाहूंगी, ये जो है नाम का पता नहीं, ये हमारे पड़ोस की नहीं है, पड़ोस गांव की है, ठीक है, इनको कोई हक नहीं पहुंचाती है, जैसे भी हैं, जो भी हैं, मेरे पति हैं, मेरे पिताजी, जैसे भी हैं, मेरे पति
तुमको नहीं पहुंचता, एक बार दो बार तीन बार और रेगुलर की हर वीडियो देखो। हालांकि मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पर इनको कोई हक नहीं पहुंचता। अगर इन पति के बारे में मैं गलत बोलूं, क्या ये मुझे छोड़ देगी? हालांकि मैंने कुछ बोला भी नहीं, ये बड़ी है, मेरे लिए बहुत सम्मान, मैं इनकी इज्जत करती थी, ठीक है। अब भी मैं इनको ये कह रही हूँ कि मेरे इनसे कोई दुश्मनी नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगी मिथिलेश भाटी जी से, अगर आपकी बेटी को उनका पति छोड़ दे 3 साल तक, तो वो क्या करेंगी? अपनी बेटी को कहेंगी तो वहीं बैठी रहो, ऐसा बोलेंगी? जब उसके सर पे कोई भी ना हो, अकेली हो, लावारिस बन जाए उसके बाप, मतलब तो मेरे अब्बू खत्म हो सुन, गए अरे बात सुन पहले मेरी, मैं जवाब देती हूँ। हमारे यहाँ पे 10-10 साल तक बॉर्डर पे फौजी पड़े रहते हैं, किसी की बहन बेटी ऐसे नहीं आती कि अरे जमीन बेच आई, घर बेच आई। उस पैसों में तो अपने बच्चों की लाइफ भी बना सकती थी, ठीक है। हम अगर मेरी बेटी होती अगर ऐसा करती तो गर्दन काट देती, मैं कह रही हूँ बाइक पे। किसने हक दिया हमारे पास बहुत बारे में बोलने का? कट गई मैडम जी, नहीं पहले बताएं आप, आपको देखिए मैं किसने रोकना चाहूंगी, रोकना चाहूंगी मिथिलेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। आप परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, हमें अपने अपने साथ साथ खुद के साथ साथ सामने वाले के भी सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। परिस्थितियां अलग होती हैं, आप जेनरिक नहीं कर सकते, जेनरिक नहीं कर सकते किसी का सिचुएशन, किसी के हालात और किसी के अगर किसी के मन में किसी के लिए प्यार है तो उसे आप झूठला नहीं सकते इस तरह से, ठीक है। अवैध तरीके से एंट्री, उस पर जांच चल रही है, सही उद्देश्य क्या है आने का उस पर भी जांच चल रही है, लेकिन इस तरह से जनरलाइज नहीं किया जा सकता। मिथिलेश जी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जो भी अपनी बातें कहें मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें। सीमा जी हमारे साथ मौजूद है, सीमा जी लेकिन एक सवाल है कि केस दर्ज करवाने का आइडिया आपका था, सचिन का था, या फिर आपके वकील साहब ने ये आइडिया दिया आपको? हमें बहुत बुरा लगता था मैम, इनको बहुत बुरा लगता था, बहुत दुख होता था हमें जब इस तरह के शब्द निकालती थी। मैं तो मानती हूँ औरत के पास दिल ही नहीं है शायद, क्योंकि वो दिल वाली कोई बात ही नहीं करती, मोहब्बत वाली कोई बात ही नहीं करती, प्यार भरा शब्द इनके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना। तो ये पहले तो ये कह रही थी कि मैं 12 पास हूँ, सीमा 5वीं पास है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ये अभी कह रही है बॉडी शेविंग का मुझे पता नहीं, मैं जाहिल हूँ, पहले तो एक बात पे नहीं है ये। दूसरी बात, ये कानून इसमें नहीं है, ये कोई कानून में नहीं है, हमारा कानून भारत का बहुत अच्छा कानून है, ठीक है। आप दोनों को 2 मिनट मिथिलेश जी आपके पास लौटूंगी, 2 मिनट। एपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वकील हैं सचिन और सीमा के। एपी सिंह जी आपने एक तो नया बखेड़ा ही खड़ा कर दिया ऐसा लग रहा है, एक तरफ सचिन और सीमा को लेकर जांच चल रही है, सीमा की भारत में एंट्री को लेकर जांच चल रही है, उसके यहां आने की मौजूदगी के असली वजह पर जांच चल रही है, दूसरी तरफ आपने केस वेस दर्ज करवाया, इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ नहीं वजह, ये उसके लिए नहीं है, केवल सीमा सचिन मीना के नहीं, इस देश के कितने पति आहत हो गए। कोई पतला होना गुनाह है, कोई छरहरा होना गुनाह है, कोई स्लिम है, कोई थिन है, कोई स्मार्ट है, कोई मोटे होने की दवा लेता है, कोई पतले होने की दवा लेता है। हमारे यहाँ कितने रंग है रूप, कोई गोरा है, कोई मिल्की व्हाइट है, कोई सांवला है, कोई काला है, इन्हीं सब में तो डिसाइड हो जाता है। कोई 4 फुट का है, कोई 7 फुट का व्यक्ति, बस इसी बीच में तो है सब कुछ। तो उसको किसी निजता के बारे में लगातार एक दिन नहीं, दो एक दिन हो चलो भूल से बोल गया, गुस्से में बोल गया, एक दिन बोल दिया, 2 दिन बोल दिया, लगातार आप बोले जाए, आप किसको अपना प्रोफेशन बना लें कि हमें तो अब इसी सुबह शाम तक बोलना है, हमें पुरुष को ही बदनाम करना है, हमें मीना समाज को ही बदनाम करना है, हमें इस सचिन मीना को ही बदनाम करना है। छिपकली है सीमा, पूंछ कटी हुई कुतिया है। आप सोचिए ऐसे शब्द कभी आपने नहीं सुने होंगे, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, कभी आपने ये नहीं सुने। मरा हुआ चूहा है सचिन, झींगुर लप्पू चलो बोल दिया, मरा हुआ चूहा है। इधर इतना मसल दूं तो गायब, पता नहीं चलेगा, उड़ जाएगा कहीं, गिरेगा जाके पता तक नहीं चलेगा। इस तरह सुबह पास धन नहीं, दौलत नहीं, पैसा नहीं, रूप नहीं, सौंदर्य नहीं। अरे साहब, क्या लोग धन दौलत वाले प्यार नहीं करेंगे, शादी विवाह नहीं करेंगे? क्या उनके माता पिता नहीं, उनके भाई बहन नहीं, उनकी निजी जीवन नहीं, उनकी निजता नहीं, वो भारत में नहीं रहते, भारत के संविधान में नहीं विश्वास करते हैं? इसके साथ ऐसा इसलिए लगातार किया जाना? सचिन तो आपका मूल निवासी है, रघुपुरा का रहने वाला है, उसके माता पिता भी है, भाई बहन भी है, परिवार भी है, मीना समाज पूरा आहत हुआ, आदर्श मीना समाज आहत हो गया। बड़ी पंचायत करके उन्होंने इस बात को कहा, यह गलत है। और ये बात मैंने अपने सोशल मीडिया कंटेंट से भी पूछी, ऐसा नहीं है कि ठीक है। एपी सिंह जी इस वक्त सीमा भी हमारे साथ मौजूद हैं और मिथिलेश भाटी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप चाहते क्या हैं?
और सीमा चाहती क्या है, पहले आप बताइए फिर हम सीमा से भी पूछेंगे। मिथिलेश भाटी से आप चाहते क्या है, क्या वो माफी मांगे तब बात खत्म हो जाएगी? वो हमारी बहन है। नहीं नहीं नहीं, वो हमारी बहन है, सम्मानित है, हमने बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन हमने लोगों से भी पूछा, जो हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लायर पेज है, हमने उस पर पूछा कि ये क्या ठीक है, क्या उचित हो सकता है, मुझसे अधिक समझ हो लोगों की। हमारे देश में सब लोग कहने लगे कि गलत है, गलत भाव है, छिगुर शब्द कह लिया आपने, लप्पू सप्पू कोई बात नहीं, आपने एक बार दिन कह लिया, दो दिन कह लिया, तीन दिन कह लिया, आपने उसको प्रोफेशन बना लिया, आप सब न्यूज चैनल पर डिबेट पे केवल इसी काम के लिए पतिया हाथ हो गए। हमारे देश में पतले पति भी हैं, दुबले पति भी हैं, हर समाज वर्षों वर्ष के बाद, मोदी जी की तपस्या के बाद, योगी जी की डबल इंजन सरकार के बाद, इस देश के मीना समाज, दलित, शोषित, गरीब, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, गांव, गली गलियारे के लोग आगे बढ़े हैं, आगे निकल पाए हैं, पहुंचे हैं वहां। आपकी ये दलीलें हमने पहले भी सुनी, अच्छा, लेकिन कुछ लोग, एपी सिंह जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सचिन और सीमा पर जो केस दर्ज है, खासकर सीमा पर जो केसेस दर्ज हैं, उनको हल्का करने के लिए कहीं ये तो नहीं स्टैंड लिया गया आपकी तरफ से? ऐसा हमें क्यों, अच्छा बोला क्यों गया, क्या आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहन के समान है मेरी, क्या आप किसी महिला को कभी आपने गाली सुनी है, पूंछ कटी हुई कुतिया? हमारे यहाँ कुत्ते, बिल्ली, जानवर, हमारे फार्म हाउस में डॉगी हैं, कैनी हैं, शेरू हैं, ये हैं, सीजर हैं, बिल्ली के नाम भी हैं, पचरंगी, सोमवती, ये नाम है हमारे यहाँ, तोते के भी नाम है, कबूतरों के भी नाम। लेकिन एपी सिंह जी, अभी हाल ही में हम मिथिलेश भाटी से भी बात कर रहे थे, उनका कहना था कि मेरा ही स्टेटमेंट क्यों लिया गया, इसके अलावा भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी रील वायरल हो रही है और उन्हीं की आवाज पर हजारों लोग रील बना रहे हैं, और सचिन और सीमा को लेकर और भी बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया, तो क्या उन सब पर भी अब FIR दर्ज होगी? नहीं, उनके द्वारा शुरुआत हुई। सबसे पहले उन्होंने ही कहा है, ये बात आप समझती हैं, उन्होंने कहा, अगर उन्हें ऐसा नहीं कहना था तो वापस लेना, कौन मना कर रहा है, सीधे कहें कि अब हमसे भूल बस हुआ, हम नहीं समझ सके कि लोगों की भावनाएं आते हैं, जन भावनाएं आते हैं, इतने लोग आते हैं। मिथिलेश से आप माफी चाहती हैं या क्या? बिल्कुल, अगर वो अब हमारे वकील बैठे हैं वो संभाले, कुछ जो सब वो कहेंगे जी पापा, हमारे वकील बैठे हैं, वकील साहब आ रहे हैं, मुझे ऐसा कहेंगे वो हमारे लिए सही कहेंगे, हमने उनपे ही हर बात करती है, उनको ही हमारे यहाँ पता है, हमने उन्हीं के उन्हीं से ही कहा है, अब केस चल रहा है, अब देखते हैं, तो उनको कोई हक नहीं पहुंचता था हमारे बारे में, इतने गलत गंदे गंदे शब्द उन्होंने यूज करे हैं, मैंने उनकी सारी वीडियो देखी है, इतने गंदे गंदे शब्द उन्होंने मेरे लिए यूज करे, मेरे पति के लिए यूज करे, वो क्या जानती है मेरे बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में वो क्या जानती है, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो उनको हैदर का एहसास है, मैं औरत हूँ, वो भी एक औरत है, उनको मेरे दुख नहीं दिखते, मेरा एहसास नहीं होता, कोई दुख होगा तभी तो मैं यहाँ आई, मेरा कुछ नहीं था पीछे, तो उनको ये चीजें क्यों नहीं दिख, अगर वो औरत है तो उनको मेरा दुख, सिर्फ उनको मेरा छिछोरापन दिखता है कि मैंने छिछोरापन दिखाया, उनको मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता, उनको मेरे दुख दर्द क्यों नहीं दिखते। ठीक है, और इस वक्त रजनीश यादव जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, मिथिलेश भाटी के वकील हैं, और जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया कि वो भी अपनी तरफ से तैयार है मेंटली कि अगर उनके पास नोटिस आता है तो कैसे जवाब देंगे। यादव जी बताइए किस तरह की तैयारी है, कैसे जवाब देंगे आप? नहीं, इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो दो शब्द झिंगूर और ये किया गया है, इस पे कोई ऐसी बात है कि भाई इस पे मानहानि हुई हो सचिन की या सीमा की, कोई मानहानि हुई हो? अगर आपको ऐसा लगता है, आप भी पढ़े लिखे समाज से हैं, कहीं ऐसा लगता है तो उसका जवाब दिया जाए। ठीक है रजनीश जी, इसी का जवाब ले लेते हैं। एपी सिंह जी, अब अभी तक नोटिस तो पहुंचा नहीं है, मुझे लगता है आप बेहतर बता पाएंगे कि आखिर क्या FIR दर्ज हुई है, कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और क्या है ये पूरा मामला। मैं चाहूंगी आप बताइए कि क्या मामला दर्ज करवाया गया है पुलिस स्टेशन में। अभी कोई देखिए, मैं अभी कोई धाराएं नहीं है, आप बढ़ा रही हैं, आपको बढ़ाने में इंटरेस्ट है, अभी कोई धाराएं नहीं है, कोई FIR नहीं, लेकिन आपको बढ़ाने का इंटरेस्ट है। अभी मामला दर्ज हुआ, अभी FIR दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है आपको जानकारी नहीं है? मान हानि का नोटिस जाता है, FIR नहीं दर्ज होती, जो होती है, जो कार्रवाई है, लीगल प्रोसेस, वकील साहब को भी पता है, हमें भी पता है, वो जैसा प्रोसेस होगा वो भी करेंगे, जो प्रोसेस करना है वो हम करेंगे, वो
लीगल प्रोसेस जैसा होता है उन्होंने कहा है, जो चीजें कोर्ट में रखी जाती हैं कोर्ट में जाती हैं, जो आता है कागज तो उसका जवाब दिया जाता है। हमारा प्रोसेस का एक सिस्टम है, रिप्लाई दिया जाता है, काउंटर रिप्लाई दिया जाता है, रिज्वाइंडर दिया जाता है, ये सब प्रोसेस से चलता है। केवल डिबेट से, वॉइड से, बोल देने से, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, उससे नहीं चलता है। ठीक है एपी सिंह जी, लेकिन आप भी उसी सोशल मीडिया और उसी मीडिया का इस्तेमाल आप भी कर रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। मिथिलेश भाटी के वकील हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि आपने कहा नोटिस जाएगा, वो जवाब देंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं, रजनीश जी कह रहे हैं कि यहां तो मानहानि का कोई मामला बनता ही नहीं है लप्पू और झिंगूर कह देने से। बात है बड़ी, हाँ दो शब्दों से तो मान लिया मैंने, लेकिन जो और शब्द है, बहुत से शब्द हैं, बहुत सी चीजें हैं, उनको आगे प्रोसीड होगा, जैसा होगा उसमें आगे किया जाएगा। लेकिन रजनीश जी, एपी सिंह जी कह रहे हैं कि सिर्फ लप्पू और झिंगूर शब्द नहीं है, इसको तो उन्होंने छोड़ दिया, और भी बातें जो मिथिलेश भाटी की ओर से कही गई, सीमा के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनके कैरेक्टर, उनके आने के मकसद पर सवाल किया गया, इन सभी बातों को आधार बनाया गया है। सचिन मीणा, पूरे मीणा समाज को अपमानित किया गया, ये वो कह रहे हैं। देखिए ये केवल जातीय यहाँ विद्रोह फैलाने की बात कर रही है, जातीय हिंसा बढ़े इसकी कोई बात नहीं है, कभी कोई मीणा समाज के लिए नहीं है। यहाँ मीणा, ठाकुर, राजपूत, ब्राह्मण, यादव सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे क्षेत्र में कोई द्वेष फैलाया जाए। और मैं मीडिया से भी गुहार करूंगा कि यहाँ जातीय हिंसा पे ना ले जाएं। अगर कोई सीमा के और सचिन के बारे में कुछ कहा है और उन्हें उससे मानहानि लगती है तो मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए यहाँ पर मैं इंटरप्ट करूंगी, सुरक्षा का मामला है, इंटरप्ट करूंगी मैं यहाँ पर। एपी सिंह जी का ही बयान है जिसमें उन्होंने बहुत इमोशनल आंखें घुमा घुमाकर ये बात कही है कि सचिन को जिस तरह से बॉडी शेमिंग उसकी की गई, न सिर्फ सचिन को बल्कि पूरे मीणा समाज का अपमान किया गया है मिथिलेश भाटी की ओर से। एक बार नहीं, दो बार नहीं, उन्होंने अपनी बात में कम से कम 5 दफा मीणा समाज शब्द का इस्तेमाल किया। और यहां पर अगर आप कहेंगे कि जाति की बात मीडिया करता है तो फिर तो गलत बात हो जाएगी। बयान आप दे, बात मीडिया कैसे कर रहा है? देखिए मेरा जो क्लाइंट है मिथिलेश भाटी, वो गांव के परिवेश है और बॉडी फेम का मतलब भी नहीं समझती है। इस बात को जो है ना, शब्दों के जाल में ना उलझाया जाए। और जहां तक ये बरादरी वाला मामला है, यहाँ सीधा सीधा सवाल है, क्या तैयारी है रजनीश जी आपकी? सीधा हाँ। सीधा सवाल है, क्या तैयारी है? एपी सिंह जी वरिष्ठ वकील हैं, आपको पता है, जब उनकी तैयारी तो मुकम्मल है, वो सिर्फ मैं सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि वो बड़े बड़े वकील हैं, मैं स्वीकार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हाँ, ये मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे तर्कस में कौन से बाण है, एपी सिंह साहब नहीं बताएंगे उनके तर्कस में कौन से बाण है। तो ये तो जब हमारी कानूनी लड़ाई चलेगी, हो सकता है कौन हारे कौन जीते। ऐसा तो नहीं कि असल मुद्दे से भटकाने के लिए एक अलग तरह की लड़ाई शुरू कर दी गई? अब आपको ये लगने लगा है, मेरे लिए भारत लोगों ने जानबूझ के ऐसा कर लिया है। मेरे लिए भारत वतन सबसे पहले, अगर कोई मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे वतन के लिए, मेरे धर्म के लिए कोई करेगा तो उसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मुकदमा लड़ूंगा। और मेरा प्रेरणा स्रोत मान लीजिए या कुछ मान लीजिए, एपी सिंह साहब बढ़िया वकील हैं, मैं इनकी कदर करता हूं। सीमा हैदर का रिएक्शन ले लेते हैं। सीमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे वकील बैठे हैं, मैम वही जो कहेंगे उनके साथ क्योंकि हमारा भला, हमेरी हर बात हमारे वकील बात से कर रखी है हमने, और जो भी वो उठाएंगे सोच समझ के उठाएंगे, उन्हीं से बहुत भरोसा है मुझे। जी मैम, इनके बारे में वही सब बताएंगे। ठीक है सीमा, वैसे एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। आप पाकिस्तान से भारत आई हैं और इस बीच अलग अलग परिस्थितियों का आपने सामना किया, एक लंबी दूरी आपने तय की, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सचिन के प्यार में आई हैं, जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब भी आपको देना पड़ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे सवालों का जवाब आपने दिया नहीं, सचिन ने भी नहीं दिया। इस वक्त यहां भारत में आपके आस पड़ोस के लोगों का किस तरह से समर्थन आपको मिल रहा है? जांच एजेंसियों का व्यवहार किस तरह से आपके साथ है, ये भी बताएं। मैम, जांच बाकी अड़ोस पड़ोस की बात, बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत इज्जत, ये पूरा हमारा मीना, पूरा ये गांव जो हमारा है, बहुत प्यार मिल रहा है। और जो ये मैम है, ये हमारे गाँव की नहीं है, पड़ोस के गाँव की। तो सिर्फ इनको छोड़ के पूरा गांव हमें बहुत इज्जत, औरतें,
अंकल आदमियां मुसलमान तक बहुत प्यार देते हैं मुझे, बहुत सम्मान बहुत इज्जत रोज मिलने आते हैं, सर पे हाथ रखते हैं आशीर्वाद देते हैं। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ और बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत इज्जत मिल रही है मुझे यहाँ, और यही चीज है जो मुझे बहुत भागी मैं, जो मैं चाहती थी उससे ज्यादा प्यार मिल रहा है मुझे इनके पापा के घर में आज से ज्यादा। ठीक है सीमा जी, धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। एपी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और रजनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त न्यूज 18 से बात करने के लिए। हमने मिथिलेश को भी सुना, हमने सीमा को भी सुना, हमने दोनों के वकीलों को भी सुना, तो एक नई लड़ाई आगे बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18।